हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक टास्क दिया था, एक पैटर्न मैंने आपको दिया हुआ था। ये पैटर्न आपको बनाना था, कई सारे स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा लॉजिक फुल है ये, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने पैटर्न देखा था उसमें क्या था, आई और जे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। यहाँ पे भी जो है इसी तरीके की डिपेंडेंसी है। यहाँ पे हमारे पास चार रोज हैं और कॉलम्स भी चार हैं, लेकिन सभी कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलम्स में ब्लैंक आपको दिख रहा है, मतलब कॉलम की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है रो पे, ठीक है, रो नंबर पे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या प्रिंट होगा, रो नंबर या कॉलम नंबर, ठीक है। मैंने कहा था अगर हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, ये रो जो पहली रो है उसमें आप देख रहे हैं वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, या तो पूरी रो में 4 होता या पूरी रो में 3 होता या 1 होता, तो हम रो नंबर का यूज़ करते। बट पूरी की पूरी रो में वैल्यू लगातार डिक्रीमेंट हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कॉलम नंबर प्रिंट होगा। अगर वैल्यू पूरी की पूरी रो में चेंज होती जा रही है कंटिन्यूअसली, मतलब कि कॉलम नंबर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर कॉलम नंबर प्रिंट हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि पहली रो में 4321, इतना तो मुझे पता चल गया कि कॉलम नंबर प्रिंट हो रहा है, तो मैं जे तो लिख ही देता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। जे लिखाई हुआ है ऑलरेडी, कॉलम नंबर प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जो है पहली रो में हमारा कॉलम जो है 4 टाइम्स चल रहा है, सेकंड रो में 3 टाइम्स चल रहा है, थर्ड रो में 2 टाइम्स और लास्ट रो में 1 टाइम। लेकिन सब में जो एंड हो रही है, जे की वैल्यू कहाँ पे एंड हो रही है, 1 पे एंड हो रही है, मतलब जो कॉलम की लास्ट वैल्यू आपको दिख रही है वो 1 है, ठीक है। मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलाना है और जाना है 1 तक, ठीक है। इतना भी अपन को पता चल गया कि डिक्रीमेंट होगा, कम होते जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 4321 डिक्रीमेंट वाला प्रोसीजर है और एंड हो रहा है 1 पे, ठीक है। कॉलम की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है तो कॉलम की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से सेट करनी पड़ेगी कि ये पैटर्न प्रिंट करने में मिले हेल्प। तो यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो रही है और हमेशा एंड हो रही है 1 पे, 1 पे एंड हो रहा है। तो मैंने कंडीशन लगा दिया, जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक हमारा लूप चलेगा। लेकिन हर बार 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है अगर, तो ये गलत है, 4 से हर बार स्टार्ट नहीं हो रहा। पहली बार 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मेन लॉजिक। पहली रो है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी में 1 से डिक्रीमेंट होके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तीसरी में फिर 1 से डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये मेन लॉजिक है आपका समझने वाला, कि जो स्टार्टिंग है जे का कॉलम वैल्यू का वो हर बार चेंज हो रहा है, पहले 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब इसमें मैंने जो लॉजिक लगाया वो ये लगाया है कि पहली बार में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 माइनस 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आई की वैल्यू 0 से लिखूं, जो रो है वहाँ पे मुझे रो मुझे पता है 4 हैं, अब आप 1 से 4 तक गिने या 0 से 4 तक गिने, 0 0 से 3 तक गिने, तो काउंटिंग तो 4 ही होगी। तो ये मैं लॉजिक लगा दूंगा, आई की वैल्यू मैं सेट कर दूंगा 0 से 3, तो होगा क्या, जे की वैल्यू स्टार्ट हो रही है पहली रो में 4 माइनस आई से, मतलब 4 माइनस 0 से, फिर 4 माइनस 1 से,
फोर माइनस वन। फिर तीसरी रो में आप देख रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम नंबर टू से, मतलब कि फोर माइनस टू। और लास्ट रो में फोर माइनस थ्री। तो ये जीरो वन टू थ्री कहाँ से मिलेगा मुझे? ये मिलेगा मुझे आई के थ्रू, रो नंबर के थ्रू। ठीक है, रो की वैल्यू मुझे फोर टाइम्स रो को चलाना है, तो आप वन टू थ्री फोर चलाइए या जीरो वन टू थ्री, वन टू थ्री चलाइए, जीरो वन टू थ्री, तब भी वो फोर ही काउंट होता है। ठीक है, तो ये लॉजिक मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे रो को इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि मेरा कॉलम का काम हो जाए, कॉलम की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो सेट हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको जीरो से लेके थ्री तक चलाता हूँ, जीरो से थ्री चलाऊँ या वन से थ्री चलाऊँ, चलेगा वो चार ही बार। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया जो मुझे यहाँ पे हेल्प करने में मिले, क्योंकि हर बार फोर से वन नहीं जा रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर माइनस आई से स्टार्ट हो रहा है, ये आई की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये फोर माइनस ज़ीरो मतलब फोर से स्टार्ट होगा, फोर से लेके वन तक जाएगा, तो आपका फोर थ्री टू वन प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी बार में आई प्लस प्लस मतलब वन हो जाएगा, तो ये फोर माइनस वन मतलब थ्री से स्टार्ट होगा, और थ्री से स्टार्ट होते हुए वन तक जा रहा है। ठीक है, थ्री से स्टार्ट होते हुए वन तक जाएगा। फिर तीसरी बार में आई प्लस प्लस हो जाएगा मतलब टू हो जाएगा, तो ये फोर माइनस टू मतलब टू से स्टार्ट होते हुए वन तक जाएगा। फिर आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, तो फोर माइनस थ्री मतलब थ्री से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट होगा और वन पे एंड हो जाएगा। तो ये रहेगा, इसमें क्या है, कॉलम और रो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ। मैंने इसको रन में जाके रन किया, ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, सॉरी ये मुझे सेव नहीं किया मैंने, इसको सेव कर देता हूँ मैं, रीलोड करता हूँ, अभी पिछला आउटपुट दिखा रहा है। तो मैंने अब सेव करने के बाद इसको रन किया, देन एंटर किया, तो रीलोड का ऑप्शन आ गया, यस किया, रन पे जाके रन किया, तो आप देख रहे हैं 4321, 321, 21 एंड 1। ठीक है, तो आई होप कि ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप दो तीन बार वीडियो को अगेन एंड अगेन देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक पैटर्न और यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आप ट्राई कीजिए इसको। मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये काफ़ी मेरे पास स्पेस कम बचा हुआ है, अब काफ़ी सारे पैटर्न्स हम देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न जो आपको बनाना रहेगा वो है, ठीक है, थोड़ा से माइनर चेंजेस आपको करने हैं, जो ये वाला पैटर्न हमने बनाया था 4321 432, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है, और ये कर भी सकते हैं आप, क्योंकि इसका लॉजिक मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट पैटर्न, आप ट्राई कीजिए इसको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।